देखिए राम जी नाराज हैं इनसे, राम जी नाराज हैं। अयोध्या में नहीं, अयोध्या के चारों तरफ की सीटें देख लीजिए आप उठा करके, बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो राम जी नाराज हैं, राम जी की जो नाराजगी है वो वोटों के अंदर परिलक्षित हो रही है। राम जी की कृपा हम पर बरसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए वो ये ना कर, वो नारा 400 बार का इसलिए लगा रहे थे कि संविधान बदलना चाहते हैं और देश के संविधान को हाथ लगाने की कोई जरूरत करे ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सहारनपुर से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने एक भारी मतों से जीत हासिल की है। हमारे साथ इस टाइम इमरान मसूद जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जीत को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए जीत से हर कोई खुश होता है और मेरी नेता प्रियंका जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया था, सहारनपुर के लोगों ने उस पर मोहर लगाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आपके इतनी भारी मतों से जो जीत हासिल की है आपने? देखिए पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन आया और जो माहौल बना है वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बना, और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से मुद्दों को उठाने का काम किया और जिस प्रकार से राहुल जी ने कहा कि हम संविधान को बचाने के लिए, और राहुल जी उसके अंदर कामयाब भी हुए, ये सारा श्रेय तो मैं राहुल गांधी जी को दूंगा कि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर इस माहौल को बनाने का काम किया। सर लगातार बीजेपी भी जो एक नारा लगा रही थी इस बार 400 पार का, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया उनका नारा। देखिए वो ये ना कर, वो नारा 400 पार का इसलिए लगा रहे थे कि संविधान बदलना चाहते और देश के संविधान को हाथ लगाने की कोई जरूरत करे ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर बीजेपी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने पब्लिक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नफरत पैदा की है, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर 400 पार बीजेपी कर लेती है तो आरक्षण खत्म कर देगी, ये खत्म कर देगी, उस तरह के कई दावे। हमने नहीं कहा, उनके नेताओं ने बयान दिए, हमने नहीं कहा, उनके नेताओं ने बयान दिए। अपने नेताओं के बयान देखें, आखिर तक यही बोलते रहे, तो ये बात हम पर क्यों कह रहे हैं, ये तो आप बोल रहे थे। तो अगर जैसे कि देखा जाए एक तरफ मायावती भी हैं, इस बार मायावती को भी बहुत तगड़ी हार हुई है, कोई सीट भी नहीं आ पाई, उन्होंने उनके भी कहने से बोलों से ऐसा लग रहा है कि अगली बार जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनको सोच समझ के टिकट देंगे, इसको लेकर भी कुछ अगर देखिए बहन जी का मैं मुझे नहीं लगता, पता नहीं बहन जी के किस तरह से राजनीति कर रही हैं। देश के अंदर जब संविधान को बचाने की लड़ाई हो और उस लड़ाई में आप संविधान को ख़त्म करने वालों के साथ खड़े हो जाओ, आपके कारण देश के अंदर, मुझे पूरे देश के एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं कह सकता लेकिन एक अच्छी तादाद में सीटें बहुजन समाज पार्टी के अलग लड़ने के कारण या बहुजन समाज पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अगर बहन जी सही वक्त पे सही निर्णय लेती तो बहन जी की पार्टी भी बचती और देश के अंदर संविधान वालों की सरकार भी बनती। अच्छा अगर बात करें अयोध्या की, इस बार जैसे चुनाव में एक मुद्दा नजर आ रहा था कि अब की बार राम मंदिर फैक्टर नजर आ रहे थे, 400 पार का नारा भी लगा रहे थे, लेकिन अयोध्या में भी जीत हासिल नहीं कर पाए। देखिए राम जी नाराज हैं इनसे, राम जी नाराज हैं। अयोध्या में नहीं, अयोध्या के चारों तरफ की सीटें देख लीजिए आप उठा करके, बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो राम जी नाराज हैं, राम जी की जो नाराजगी है वो वोटों के अंदर परिलक्षित हो रही है, राम जी की कृपा हम पर बरसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा एक राकेश टिकैत का भी बयान आया है कि जो भाजपा के कुछ लोग हैं जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको हराने की कोशिश की है, ये तो टिकैत साहब का बयान, टिकैत साहब बताएंगे क्या कहा क्या नहीं, इसके ऊपर मुझे मैंने ना सुना ना मैं बता सकता हूँ। अच्छा आप भी चुनाव में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, मतलब राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या लगता है कि अधिकतर जो बयान आते हैं, पहले केजरीवाल के भी कुछ बयान आए, अब संजय रावत भी कुछ इस तरह कह रहे हैं कि क्या यूपी में कोई बड़ा खेल होने वाला है, कुछ फेरबदल? भाई मैं बहुत छोटा नेता हूँ, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। देखो मैं बहुत छोटा नेता हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं अपने सहारनपुर तक सीमित हूँ और यहीं तक की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक, तो ये थे इमरान मसूद जी हमारे साथ। साफ तौर से कहना है इस बार जो फैक्टर सामने आया है कहीं ना कहीं राम जी ने ही बीजेपी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को हार दिलाई है। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।